ग्लैमर हो, सुपर स्प्लेंडर का जो इस तरह जो क्लच फिंगर का जो स्प्रिंग रहता है जो कट जाता है, उसको आप लोग बिना चेंबर खोल के किस तरह लगाओगे? चलो दिखा रहा हूँ। ये जो स्प्रिंग टूट गया, इसको बिना चेंबर खोल के किस तरह लगाना है? एक कटा हुआ स्प्रिंग को इस तरह प्लास से आपको खींचना पड़ेगा, फिर वो निकल जाएगा। निकल जाने के बाद आप लोग क्या कर रहे हैं, एक नया स्प्रिंग लेना पड़ेगा। पहले इसको खोल के लेता हूँ, खोल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ किस तरह इसको बिना चेंबर खोल के लगाना। स्प्रिंग का कीमत तो 10 रुपया है, लेकिन इसको जब खोल के लगाओगे तब इसका ज़्यादा खर्चा आएगा। ये स्प्रिंग इस तरह आप लोगों को लेना पड़ेगा, फिर इसको अंदर से पुश करना पड़ेगा। इस तरह से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके घुमाना पड़ेगा। आप लोग इस तरह से घुमाएंगे, घुमाते घुमाते वो जितना खाँचा है स्प्रिंग का उतना वो अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद अभी मैं घुमा रहा हूँ, अंदर जा रहा है जा रहा है। तो उसको अंदर जाने के बाद, अंदर थोड़ा सा और बाकी है, देखो अंदर चला गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा थोड़ा करके हाथ से प्रेशर दे के उसको आगे के तरफ लेना पड़ेगा। आगे के ले के आपको क्या, थोड़ा इधर चोट मारना पड़ेगा, उधर भी थोड़ा चोट मारना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके चोट मारने के बाद जब वो पास में चला जाएगा, थोड़ा स्क्रू ड्राइवर करके एक एक खचा को अंदर देना पड़ेगा। ये देखो दे रहा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा करके अंदर दे रहा हूँ। चला गया सभी खचा, दो और एक खचा रह गया, दो एक खचा, हाँ चला गया हमारा अंदर। इसको आप आसानी से आप लॉक करना पड़ेगा। लॉक करने देखो किस तरह काम हो रहा है। देखो बिना क्लच चेंबर खोल के मैंने इसको स्प्रिंग को मैंने लगा दिया। चलो मैं स्प्रिंग को लगाने के बाद आप लोगों को किस तरह काम हो रहा है दिखा रहा हूँ। स्प्रिंग देने का बहुत ज़रूरी है।